सो गाइस दोनों चाय आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आप मेरे रखी हुई है चायोस की चाय और राइट साइड पे रखी हुई है मेरी चाय पॉइंट की चाय। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव। सो गाइस, आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और ठंड को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, ये व्लॉग रेडी कर रहा हूँ। इस व्लॉग में मैं कंपैरिजन करूँगा दो ऐसे दिल्ली के चाय ब्रांड का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चायोस की और उसके बाद मैं कंपैरिजन करूँगा चाय पॉइंट का। तो दोनों की चाय को हम कंपैरिजन करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें मैं कंपैरिजन करूँगा, ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। गाइज़ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं करता हूँ ऑर्डर और बताता हूँ कौन सी चाय आपके लिए बेस्ट है। गाइज़ मैं जाते जाते एक चीज़ और भी बता दूँ कि दे विल नॉट अलाउ मी टू शूट अ वीडियो इनसाइड द आउटलेट, तो मैं लेके आता हूँ जस्ट चाय, फिर मैं आपको यहीं मिलता हूँ और करता हूँ आपसे चाय के ऊपर चर्चा। सो फाइनली गाइज मैंने चाय ऑर्डर कर दी है, दोनों चाय मेरे पास में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेक्सचर की और कंसिस्टेंसी की। तो गाइज मैं एक बार फिर बता दूं, मैंने अदरक इलायची वाली चाय ऑर्डर करी है दोनों जगह से, चाय पॉइंट से भी और चायोस से भी। तो सबसे पहले इसका टेक्सचर देखते हैं और आपको बताता हूँ कि टेक्सचर में कौन सी बेटर लग रही है। सो गाइज दोनों चाय आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आप मेरे रखी हुई है चायोस की चाय और राइट साइड पे रखी हुई है मेरी चाय पॉइंट की चाय। तो अब टेक्सचर देखते हैं इन दोनों का और बताता हूँ, आप खुद देखिए कि किसका बेटर टेक्सचर आपको लग रहा है। तो ये हमारी आई चायोस की टी आप देख रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए, ये है यहाँ पे चाय पॉइंट की टी। तो गाइस अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरे को जो चायोस का जो टेक्सचर है वो बेटर लगा है एज कम्पेयर टू चाय पॉइंट का। रीजन है कि आप देखो चाय पॉइंट की चाय थोड़ी सी काली लग रही है, ऐसा लग रहा है दूध का उन्होंने जो थोड़ा सा कम डाला है एज कम्पेयर टू जो चायोस ने डाला हुआ है। और कंसिस्टेंसी वाइज अगर मैं बात करूँ, दोनों ही आप देख रहे हैं, दोनों ही स्मूथ है, लाइट है, क्रीमी नहीं है दोनों में अगर मैं बात करूँ। गाइज मैं एक बार फिर बता दूँ कि ये सिंपल चाय है, नॉर्मली हम जाते हैं तो सिंपल चाय ही ऑर्डर करते हैं, जिंजर इलायची फ्लेवर टी है ये। गाइज अब मैं आपको इनकी कड़कनेस बताता हूँ कि कौन सी चाय ज़्यादा कड़क है एज कम्पेयर टू अदर। तो इसके लिए मेरे को मास्क उतारना पड़ेगा। सो गाइज पहले मैं चायोस की चाय को ट्राई करके आपको बता रहा हूँ कि कैसी है, कड़क कितनी है। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। मेरे को इस टी में जो मैं नॉर्मली पीता हूँ, मेरे को हल्का सा इसके जो टी का जो फ्लेवर थोड़ा सा और ज़्यादा होता, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ थोड़ा सा मेरे को टी का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। एक बार इसका चाय पॉइंट का भी एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। चाय पॉइंट की चाय में टी का जो फ्लेवर है बिल्कुल परफेक्ट डाला हुआ है गाइस। मेरे को चाय पॉइंट की जो टी का फ्लेवर है मजा आ गया इसको पी के। अब बात करता हूँ गाइस मैं इनके प्राइस की। तो चायोस का जो मेरे को प्राइस मिला है, ये मैंने रेगुलर वाला लिया है, चायोस का रेगुलर वाला है ये मेरे को 80 रुपीज की पड़ी है विद टैक्स। और जो चाय पॉइंट है ये मुझे 89 रुपीज की पड़ी है विद टैक्स। और इसकी जो मैं क्वांटिटी बता दूं इसकी चाय पॉइंट वाले की, क्वांटिटी ऑलमोस्ट 90%, ये आप मेरा ग्लास देख रहे हैं 90% ग्लास ये फिल था। और जो ये चायोस वाला है ये भी ऑलमोस्ट 90% फिल था। हाँ एज कम्पेयर टू क्वांटिटी चायोस की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चाय पॉइंट वाला। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है चाय के अंदर, वो है चाय का फ्लेवर। तो गाइज ये मैंने इलायची वाली और अदरक वाली ली थी, तो अगर मैं इसको स्मेल कर सकता हूँ दोनों ही में, इलायची का फ्लेवर दोनों में आ रहा है, दोनों में इलायची का फ्लेवर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किस में ज़्यादा है, ज़्यादा डेफिनेटली मेरे को चाय पॉइंट की चाय में इलायची का फ्लेवर ज़्यादा लगा है। अदरक का मैं आपको एक बार टेस्ट दोबारा करके बताता हूँ कि किस में ज़्यादा अदरक मुझे लगा है, जो मेरे को
गले में थोड़ा सा एक होता है ना स्पाइसीनेस होती है अदरक के अंदर, जो मिठास में जो थोड़ा सा मिठास हो और उसमें स्पाइसीनेस हल्की सी लग जाए तो मजा आ जाए, चाय का डबल दुगना मजा आ जाता है अदरक के साथ। एक बार इसकी भी ट्राई करता हूं मैं। भाई मुझे चायों की जो अदरक का फ्लेवर मेरे को ज्यादा लगा एज कम्पेयर टू चाय पॉइंट के, तो यहाँ पे ऊपर जाता है चायोस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इनकी शुगर की क्वांटिटी मैंने रेगुलर बोला था, किसी ने मेरे से शुगर पूछा नहीं, मैंने रेगुलर ही, इन्होंने मेरे को रेगुलर ही दिया, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट है क्योंकि मैं शुगर जो है थोड़ा सा कम लेना पसंद करता हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा शुगर पसंद है तो डेफिनेटली आपको इसमें कम लगेगा। ऑल दो चायोस मेरे को ऑफर कर रहा था कि सर एक्स्ट्रा शुगर ले लीजिए, बट मेरे को पता था अगर कम भी होगा तो मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली एक बार आप उनसे एक्स्ट्रा शुगर ले लीजिएगा। सेम विद चाय पॉइंट के साथ, चाय पॉइंट ने मेरे को कोई शुगर ऑफर नहीं करा गाइस, बट हाँ इसका शुगर ऑलमोस्ट मेरे लिए बिल्कुल सेम है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी जो कंपैरिजन है मैं आपको आगे भी लेके आता रहूँगा। अभी तो ठंड स्टार्ट हुई है तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी मेरे एंड से। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आप नीचे देख रहे हैं, आप इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई शॉप है, अगर आप चाहते हैं उसका मैं आके रिव्यू करूँ, तो गाइज प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मैसेज मी ओवर इंस्टाग्राम। तो मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय। सो गाइज मैं एक चीज़ बताना भूल गया था ड्यूरिंग वीडियो, आप दोनों ही आउटलेट पे जाके कुल्लड़ में भी टी ले सकते हैं, लेकिन चायोस में अगर आप जा रहे हैं तो यू हैव टू पे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और अगर आप चाय पॉइंट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12 to 13 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा कुल्लड़ में चाय पीने के लिए। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी, मैं ड्यूरिंग वीडियो बताना आपको भूल गया, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ।